नमस्कार, स्नेहा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ भरवा हरे टमाटर, जो कि हमारे गार्डन के ही हैं। इसके लिए हम हरे टमाटर लेंगे, उनको इस तरह से कट कर देंगे क्रॉस। अब हम इसमें भरने के लिए मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हम सब पहले लेंगे नमक, फिर हम डालेंगे उसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम टमाटर लेंगे और इसको तैयार मसाले को इसके अंदर इस तरह भर देंगे, और ये काम हाथ से ही करेंगे। चम्मच से करने पे हो सकता है कि टमाटर टूट जाएं, क्योंकि कच्चे हैं और टाइट रहते हैं काफ़ी ये टमाटर। इस तरह हम भरेंगे, और एक पैन में हमने 1 चम्मच तेल डाल दिया है, इसमें हम ये रखते जाएंगे। अभी हम गैस स्विच ऑन नहीं करेंगे, ठंडे इसमें ही हम रखते जाएंगे। इस तरह हम सारे टमाटरों को भर देंगे। इस तरह सारे टमाटर के अंदर हमने मसाला भर दिया है। अब हम स्विच इसका ऑन करेंगे और धीमी आंच पे ही करेंगे इसको। इन टमाटरों को हम पहले उल्टा करके सेक लेंगे और हम इसमें ढक्कन लगा देंगे। आंच हम थोड़ा और कम कर देंगे। अब हम इसको पलटा देंगे। हम फिर से इसको सेक लेंगे। टमाटर देखिए अब बनी है, इसके गलने की बनाने में करीब करीब हमें 10 से 15 मिनट का टाइम लगा, और धीमी आंच पे हमने इसे बनाया है। बहुत पेशेंस से इसे बनाना पड़ता है ताकि ये फूटे नहीं और जले भी नहीं। धीमी आंच पे बनाना है बिना पानी के, बनते भी बहुत साफ स्वादिष्ट थे। अभी करीब करीब तैयार हो गए, तो हम इसका स्विच ऑफ कर देंगे। स्विच ऑफ करने के बाद हम इसको वापस थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे ताकि अच्छे से सिज जाए गरम इस पे कढ़ाई में। देखिए टमाटर बनके तैयार हो गए हैं, अब हम इन्हें सर्व करेंगे। खाने के लिए रेडी हैं, आपके सर्व करने के लिए रेडी हैं। हरे टमाटर की भरवा सब्जी तैयार है खाने के लिए। है ना कितना बनाना आसान। इसमें किसी खटाई भी हमने नहीं डाले, क्योंकि टमाटर ऑलरेडी खट्टे होते हैं। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, कृपया कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। फिर देर किस बात की, आप भी टमाटर लाइए हरे, या अपने गार्डन में उगाइए, बनाइए, खाइए और हमें बताइए आपकी कैसी बनी। धन्यवाद।